किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको जो नई वेराइटी हैं, पूसा है, एचआई है और जीबीडब्ल्यू है, डीडब्ल्यू, डीबीडब्ल्यू 303, श्रीराम 303, 111, 38-38, 15-44, जो कि काफ़ी सारी वेराइटी है गेहूं में, वो आपको लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तो साथियों हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः दो वेराइटियाँ और अधिकतम तीन वेराइटियाँ अभी हमारे क्षेत्र में नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर ज़िलों में मुख्यतः तीन चार वेराइटियाँ लगाई जाती हैं, जो कि सबसे टॉप में है लोक वन, और जो कि गेहूँ में सबसे महंगा भी बिकता है, और उसके बाद एक थोड़ा बहुत शरबती लगाते हैं और एक 15-44 और एक कम पानी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एक मारेटी गेहूँ करके आते हैं, जो कि छोटे छोटे रहते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, वो लगाते हैं साथियों। तो साथियों मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको GBW, DW, 303, HI, 87-49, 111 और बहुत सारी वेराइटियाँ हैं साथियों, जिनके मुझे नाम भी सही से याद नहीं आ रहे हैं। तो साथियों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी नई वेराइटी गेहूँ की लगाते हैं तो आप ट्रायल के तौर पर लगाएं, यानी कि एक साल आप चाहें तो एक बीघा या फिर एक एकड़ आप ट्रायल के तौर पर गेहूँ लगा सकते हैं, जिसमें क्या है कि आप एक एक दो दो क्यारे आप लगा के देखें और नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल आप उनमें जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है या फिर जो वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है आप अगले साल वो ही लगाएं। मैं बताने में तो आपको बहुत सारी वैरायटियाँ बता सकता हूँ कि ये अच्छी है, वो अच्छी है, वो अच्छी है, हमारे हिसाब से या फिर मेरे हिसाब से लगभग लगभग गेहूँ की सारी वैरायटी अच्छी है साथियों, और कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों कि आपकी कौन सी वैरायटी आप लगाना चाहते हैं। और साथियों काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जो आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी वैरायटी नहीं लगानी चाहिए। तो साथियों ये आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये सिजेंटा कंपनी की न्यू 15-44 गेहूँ है, जो कि पिछले साल हमने लगाया था। आप बालियाँ देख सकते हैं हाथ में, काफ़ी ठीक ठाक इसकी बालियाँ निकली थी और 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमने इसकी बुआई की थी साथियों। तो साथियों ये थोड़े सघन ना होकर थोड़े सीधे, यानी कि इनके बीच पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा रह गई थी, इस वजह से क्या है कि इसमें उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिला। और दूसरी बात यह है कि ये समय से पहले इसकी बुआई हो गई थी, अक्टूबर 22 अक्टूबर को इसकी बुआई हो गई थी, इस वजह से क्या है कि इनमें गेहूं में थोड़ा फुटाव कम देखने को मिला साथियों, यानी कि नॉर्मली जो गेहूं में फुटाव देखने को मिलता है, कल्ले ज़्यादा बनते हैं, इसमें कल्ले इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले साथियों। फिर भी साथियों वेराइटी अधिकतम उत्पादन देने के लिए जानी जाती है, इसलिए क्या है कि इसका उत्पादन तो भी 10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से रहा, और इस साल भी हम इसको लगाने वाले हैं। अभी इसको आज 5 नवंबर 2023 है और हम इनको लगाने वाले हैं 7 नवंबर 2023 को, क्योंकि अभी थोड़ी ठंड थोड़ी चमकने लगी है और अभी थोड़ा माहौल भी ठंडक भरा हो चुका है, तो इस वजह से अब इस वैरायटी को हम लगाने वाले हैं। तो साथियों हमारे MP में अधिकतर या तो 15-44 चलता है और या फिर 147 या फिर लोक वन, और कम थोड़ा बहुत कई कई शरबती लोग लगा देते हैं। बाकी अगर आप वैरायटी कोई भी चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि हर साल साथियों नई नई वैरायटी निकलती है, तो आप चाहे तो हर साल नई वैरायटी लगा सकते हैं,
बाकी ये है कि आप टेस्टिंग के तौर पे लगाएं आपका खेत को, क्या मालूम सूट करे ना करे। अब जो वैरायटी आपको खेत को सूट करती है आप वही वैरायटी लगाएं साथियों। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी लगाना चाहते हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।